मेरा दोस्त यही है जो नया ऑफिस खुला है, ठीक है, फाउंडर है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो रहा है, तो वॉक थ्रो करवा तो एक बार दिखा दीजिए, कैन यू जस्ट शो वंस, आई जस्ट वेयर इज द राइट, आई विल कम बैक, ओके, सो दिखा दो वॉक थ्रो करके बना रहा है, और ये जो है भाई सारे लोग आ रहे हैं, तो हेलो हाँ या आई जस्ट टेक वॉक थ्रू, ओके या सो ये सारे नया सेटअप हो रहा है, आप देख लीजिए एक बार दिखा दो, ठीक है, हेलो या तो पहले मैं दिखा देता हूँ एक बार सारी चीज़ों को, तो ये देख नया सेटअप है कम्प्लीटली, तो इट्स ग्रेट, काफ़ी नया स्टाइल से ये सारी चीज़ें जो है ना, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा, पहले सबसे पहले दिखा दो एक एक करके, ये मास्टर बेडरूम है, तो मास्टर बेडरूम में देखो कौन नहीं चाहेगा भाई इस तरह से घर, है ना, ये मास्टर बेडरूम है, और ये स्लाइडिंग वार्डरोब है, और काफ़ी अच्छे से इन्होंने थीम्स के साथ कलर पैलेट को बैलेंस किया है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, और बहुत ही सुंदर सा सजा के रखा है इन्होंने अपना घर, ये मीटिंग रूम से, ठीक है, और ये सारे डेकोर्स कर रखे, वॉशरूम, ठीक है, और सारे ये जो है ना मीटिंग रूम से, जो काफ़ी मेहनत करके बंदे ने, हम एक साथ ही काम करते थे, उन्होंने अपना ऑफिस इंटीरियर एंड आर्किटेक्ट इस्टेब्लिश किया, तो दोस्तों मेहनत करके काफ़ी हासिल कर सकते हैं लोग, ये देखिए इतने बढ़िया सा करके रखा है इन्होंने घर, देख टीवी वॉल यूनिट है, उसके साथ साथ सोफ़ा एंड यू नो मीटिंग रूम केजुअली बना सकते हैं इस शैंडेलियर के साथ, पीछे एक नाइस से वॉल डेकोर्स विद यू नो वॉलपेपर के साथ, और आगे देख सकते हो आप कुछ नया स्टाइल से फॉल सीलिंग बनाया है इन्होंने, देखिए ये मिरर्स, और ये आपका हो गया अगेन सेम वॉलपेपर के साथ नीचे टीवी यूनिट, और सारे यू नो शैंडेलियर्स आ गए, और एक अच्छा सा यू नो ब्लू थीम के साथ इन्होंने अच्छा सा एक सोफ़ा डाला है सेंटर टेबल के साथ, ये देखिए पीछे से अच्छा सा डेकोर उन्होंने डाला है, तो और आप देख लीजिए यहाँ पे सारे चीज़ें, मीटिंग रूम है ये, ठीक है, तो ये डिज़ाइन मेरे को काफ़ी सही लग रहा है, क्योंकि यूनिक है, बहुत ही सही है, तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे ये डिज़ाइन काफ़ी मेरे को सही लगा है, 100 पीसेस है डिस्प्ले के लिए, डिस्प्ले पर्पज़ के लिए, ये फॉल सीलिंग आप देख रहे हो ये हनी वी स्टाइल में बना हुआ है, और पीछे जो वॉल जो ट्रीटमेंट कर रखे है ना, ये है आपका वॉल यू नो वॉल ट्रिम्स कहते हैं जिसको, उसके साथ इन्होंने नाइस मिरर लगा के रखे, और ठीक है, और ये हमारे सर जी का ओबियसली बैठने का जगह है, जो MD यहाँ पे, जो ओनर है CEO यहाँ पे आके बैठते, काफ़ी अच्छा सा मतलब बना के रखे इन्होंने, जो चीज़ें आप देख रहे हो ना, मतलब एकदम क्या बोलूँ, हमारे ऑफिस से भी बेहतर बना है इन्होंने कंसेप्ट, ऐसे कंसेप्ट बनाए ना तो माइंड ब्लोइंग, मतलब मुझे नहीं लगता है कि बेंगलोर में इससे अच्छा इसी कहीं ने बनाया नहीं है, है ना, एक्सपीरियंस सेंटर, तो ये थीम्स के साथ इन्होंने काफ़ी थीम्स बनाए, जैसे कि मल्टीपर्पज और ऊपर कलर थीम्स के साथ इन्होंने, जैसे कि यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रास लगा हुआ है नीचे टेबल, ओबियसली CEO बैठने के लिए, चूँकि मेरे दोस्त,
और यहाँ पे आप देख सकते हो नाइस वॉलपेपर्स, और ये जो सारे बहुत ही शानदार बना के रखे ना फॉल सीलिंग के साथ, लाइटिंग्स थीम्स और सारे ये इना मिरर्स, ये सब बहुत ही शानदार से इन्होंने चीज़ों को बैलेंस किया है डिज़ाइन को। और ये आपका वॉल मिरर, ठीक है, तो ये भी काफ़ी सुंदर से बना रखे। और यहाँ पे ये थोड़ा सा पॉप अप कलर के साथ जो यू नो ये अच्छे से शैंडलियर बना है। और यहाँ पे आप टीवी यूनिट देख सकते हो, उसके साथ साथ यू नो वॉल यूनिट और पीछे वॉलपेपर से सारे, और मस्त से पीछे से वॉल डेकोर डिज़ाइन किया है जिन्होंने। इन्हें पे आप रेंड मतलब स्क्वायर और रेक्टेंगल ट्रायंगल शेप में बना हुआ है, और वर्टिकल ट्रिम्स अगेन। सो सोफा के साथ फ्लैश अप मतलब मैचअप करने के लिए इन्होंने एक और सेंटर टेबल डाला हुआ है, ठीक है, शैंडलियर के साथ। और ये सब इन्होंने अच्छा सा एक इन्होंने स्लाइडर बनाया है, जिन्होंने स्लाइडर को देख सकते हो काफ़ी सुंदर से बनाया है। ऐसा लग रहा है कि यार कि कोई रॉयल के घर में आया हो, कोई राजा महाराजाओं के घर में आया हो, ऐसे ही लग रहा है। देखो बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बना हुआ है, मतलब कि क्या ही बोलूँ, शानदार गजब का घर बनाया इन्होंने। जबकि मुझे नहीं लगता है कि हमारे नो ब्रोकर से तो बेहतर है यार, और लीफ स्पेस आई थिंक बेंगलोर में मैंने सबसे शानदार अगर कोई एसी देखा है तो यही होगा, ठीक है। ये जो एक्सपीरियंस एंड जो फील कर रहे हो ना, ये अब देख सकते हो, फिर से मैं दिखा रहा हूँ, देखिए काफ़ी सुंदर से इन्होंने डिज़ाइन थीम्स कर रखे हैं, ठीक है। और ये वॉलपेपर में वो जो वॉल डिज़ाइन किए ना, शानदार से बना हुआ है, देखो डिज़ाइन। और यहाँ पे फिर से मैं दिखा रहा हूँ, फिर से इसी को मैं फिर से दिखा रहा हूँ कि वॉल यूनिट के साथ टीवी यूनिट और पीछे बैक पैनल, और इन्होंने क्या किया, पूरा फॉल सीलिंग को ना इन्होंने वॉलपेपर के साथ रखा है मस्त से, इन्होंने कंटेम्पररी डिज़ाइन के साथ सब किया हुआ है। और ये सारी चीज़ें जो है ना सोफ़ा के साथ इनका एक थीम्स, जैसे कि रास्टिक डिज़ाइन में इन्होंने काफ़ी चीज़ें किया। और पीछे का जो डेकोरेटिव आइटम्स है ना, जैसे कि वॉलपेपर्स के साथ वो हैंगिंग लाइट्स, सॉरी जो हाइलाइटर्स लाइट होते हैं ना जिनको, वो सब लगा हुआ है और शैंडेलियर के साथ, ठीक है। हाय, और ये हाय मैम। फिर यहाँ पे इन्होंने वॉल ब्रिक्स लगा हुआ है जबकि बहुत ही शानदार है। देन अगेन कमिंग टू द वार्डरोब, ये वार्डरोब वॉकिंग वार्डरोब से बहुत ही शानदार के डिज़ाइन के मास्टर बेडरूम है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि वार्डरोब्स है ना और ड्रॉअर्स रैंडम डिज़ाइन और फॉल सीलिंग, वाओ इट्स रियली ब्यूटीफुल। यहाँ पे आप देख सकते हो मास्टर बेडरूम है ये सारे। डिज़ाइन के पीछे इन्होंने क्या किया, एक बेड डाला हुआ है पीछे से, यू नो एक सर्कल डिज़ाइन जो कंसेप्ट थीम्स बैलेंस से बना हुआ है सारी चीज़ें। शैंडेलियर तो काफ़ी सही है, पेरिफेरल डिज़ाइन है फॉल सीलिंग, ठीक है। और साइड में एक नॉर्मल सा साइड टेबल इन्होंने दिया है। फिर जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये काफ़ी सुंदर सा इन्होंने वार्डरोब बनाया है, ठीक है। सारे एक्सेसरीज को देख के इन्होंने बहुत ही शानदार से गजब से बना हुआ है डिज़ाइन, ठीक है। और ये देख सकते हो कलर थीम्स के साथ यहाँ पे, और एक चीज़ है उन्होंने आप देख लीजिए यहाँ पे उन्होंने फोकस लाइट ट्रैक लाइट डाला हुआ है, ताकि इससे यू नो डिज़ाइन को ओवरऑल थीम्स और यू नो सारी चीज़ों को मेंटेन करें। यहाँ पे एक मिरर भी डाला हुआ है, ठीक है। ये जो मिरर है ना, ये मतलब आराम मतलब आप अंदर डाल सकते हो, जब चाहे आप उसे निकाल सकते हो, ठीक है। और ये सब सारी चीज़ें जो है ना ड्रॉअर से रैंडम शू वगैरह रख सकते हो ऐसे ही, ये ड्रॉअर है, ठीक है। और ये भी आप देख सकते हो सारी चीज़ें बहुत ही शानदार से बनाए इन्होंने, मतलब कि क्या बोलो, जितना बोलो तारीफ उतना ही कम है, क्योंकि आप यहाँ पे एक और देख सकते हो चीज़ें, देखिए सारे अच्छे से बना के रखे। और हमारे ये जो है ना मास्टर बेडरूम, ये जो स्लाइडर ये काफ़ी बड़ा रोल लेते हैं, क्योंकि आपको जब भी चीज़ें रखना हो तो ना तो रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख हैंगर है नीचे वार्ड आपके लिए, यहाँ पे ड्रॉअर से नीचे हैंगर से, तो ये जो चीज़ें हैं ना आपके मल्टीपर्पज़ में काम आते हैं। जैसे कि आप बहुत सारे लेडीज़ चीज़ें होते हैं ना वो सब, इवन बेल सारे चीज़ भी लगा सकते हो, और हैंगर तो मस्त से लगा हुआ है। और ये जो कोर मटेरियल है ना, ये एक्चुअली प्लाई का नीचे और बीच में ना लेकर ग्लास डाला हुआ है, और साइड में उन्होंने शानदार से एक यू नो
डिस्प्ले यूनिट लगा के, ओपन यूनिट लगा के रखे, और अंदर मिरर डाला हुआ है। अगर आप देखेंगे तो दूर से मैं दिखाता हूँ, देखिए देखिए साइड में मतलब एक ओवरऑल डिज़ाइन थीम्स को फ्लैश अप करने के लिए इन्होंने इस तरफ से कुछ किया हुआ है, ठीक है। और पीछे लाइटिंग वगैरह का बहुत ध्यान से रखा है। ये चीज़ों, ये जो चीज़ है ना, ये पीछे जो जैसे कि रास्टिक डिज़ाइन देख रहे हो, इन्होंने पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ उन्होंने बनाया अच्छे से। और ये जो देख रहे हो पीछे सारे चीज़ें, ये पूरा पेंट के साथ एक कलर थीम्स मिला है। और आप देख सकते हो यहाँ पे भी पैनलिंग डाला हुआ है। और ये है तुम्हारा मल्टीपर्पज़ चीज़ों के लिए, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे सैम्पल पीसेस डाला रखे हैं सारे चीज़ें, ठीक है। और ये है इनका कुछ इन रैंडम डिज़ाइंस के लिए, जैसे कि कुछ इन्होंने काम, जैसे कि कोई कस्टमर आएंगे तो उनको दिखाने के लिए है। तो यहाँ पे आप डिस्कशन रूम में भी सैंडल डाला हुआ है, नाइस हैंगिंग लाइट डाला हुआ है। इन्होंने काफ़ी चीज़ों को बैलेंस करके रखा है, जबकि बहुत ही शानदार है। और ये है तुम्हारा एक और चीज़ है, जो कि ये जो है ना तुम्हारा डिज़ाइनर, और डिज़ाइन में सारे चीज़ें तो ये जो डिज़ाइन है ना काफ़ी सुंदर से वैनिटी यूनिट बने हुए हैं, वैनिटी यूनिट। और अब मिरर देख सकते हो कितना बड़ा सा मिरर डाल दिया उन्होंने। और ये भी एक तरीके से बाथरूम को इन्होंने इस तरफ से मिरर डाला है, एक्चुअली बाथरूम है वो ऊपर में, देख आप देख सकते हो इसमें, ठीक है। तो ऊपर देख सकते हो किड्स रूम के लिए इन्होंने बनाया, जिस तरफ से इन्होंने अच्छे से मतलब कि मेंटेन किया सारी चीज़ों को। और ठीक है, तो देखो फोर प्लान के साथ इन्होंने अच्छे से मतलब डिज़ाइन टीम के साथ इन्होंने देखो एक वॉल मैप डाला है बीच में, ये डेफिनेटली ये किड्स रूम है। तो ये जो आप देख रहे हो ना सोफ़ा, तो सोफ़ा के साथ इन्होंने यहाँ पे एक ये स्लाइडर है, मतलब जब चाहे आप इस सोफ़ा को मतलब सोफ़ा काम बेड है, डेफिनेटली इन्होंने इस तरफ से मेंटेन किया कलर टीम्स को। और ये स्टडी टेबल है जहाँ पे हम या पे यू नो ओपन बुक ये सब सारे चीज़ें हैं, तो आप देख सकते हो। और वो ओपन स्टडी है, वहाँ पे सारे डिस्प्ले ला के रखे हैं, देख कितना सुंदर से इन्होंने लाइटिंग का मेंटेन किया हुआ है। और एक वर्टिकल डाला हुआ है ताकि यू नो इन्हेंस द ब्यूटिफिकेशन फॉर दैट। सो ये इन्होंने आया हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर मीटिंग हो रखी है एम्प्लॉयर से, ये फिलहाल तो चीज़ें यहाँ पे मेरे को अभी मॉड्यूलर किचन दिखाना है, वो थोड़ा सा बाद में दिखाता हूँ, उन लोग का मीटिंग चल रहा है। तो मीटिंग जैसे ही ख़त्म होंगे तो हेलो हाय 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 आई एम हिज फ्रेंड, कैन आई जस्ट या इफ यू डोंट माइंड, राजू बॉस मंत्री या एक्चुअली वी आर फ्रेंड या एंड यू विल आल्सो जॉइन अस इन फ्यूचर एंड आई थिंक डेफिनेटली आई वुड लव टू जॉइन इन द फ्यूचर। Yeah. We work with Monitor, Livespace, yes. Homeland, we work as a designer. As a design partner, we are there. Different dimensions with us. That is separate, different story. Yes. I think this is enough for today. Yes, thank you very much. Time up, because we are moving now. So, can you just, I'll just show once again. So, यहाँ पे आप देख रहे हो मैं काफ़ी चीज़ें को बैलेंस करके रखा उन्होंने, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे वॉल यूनिट्स एंड होटल रेक्स के साथ टॉल यूनिट दिखा देख सकते हो यहाँ पे। सो आप देख सकते हो जैसे कि टॉल यूनिट जो है ना यहाँ पे जो टॉल पेंट्री यूनिट के साथ मस्त अच्छे से करके रखा है इन्होंने। सो इट इज़ रियली अमेजिंग एंड यू सी दैट इनसाइड, सो यू हैव अ लॉट ऑफ स्पेस ओवर हियर। सो यहाँ पे देखिए आप अच्छे से इन्होंने डिज़ाइन कर रखे हैं, ड्रेसिंग यूनिट है यहाँ पे आप देख सकते हो सारे चीज़ों को इन्होंने मस्त से टीम अच्छा से टीम बना के रखे हैं इन्होंने, ठीक है।
तो यहाँ पे उन्होंने काफी सुंदर से बना के रखा है और लैपटॉप है, ठीक है, लैपटॉप है सारी चीज़ें, और बोतल ब्रेक्स कर सकते हैं यहाँ पे इन सारी चीज़ों पे। सो डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छे से इन्होंने बैलेंस किया है, वॉल इनमें सारी चीज़ें हैं, तो जैसे कि देख रहे हो ये मतलब कि अंदर जो स्पॉटलाइट डाला हुआ है, ठीक है, और विकर बास्केट इन्होंने डाला काफ़ी सारे अच्छे से। ये मुझे लगता है ये मुझे लगता है कोरियन टॉप है, ठीक है, उन्होंने अच्छे से डिज़ाइन बना के डेडो डाइल्स डाला हुआ है, ठीक है। सो लाइट्स अच्छे से डाला हुआ है, ट्रेकिंग लाइट, और पीछे फ्लूटेड पैनल डाला हुआ है, आप देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे हमने फोटो लेना है, पूरे टीम यहाँ पे है, अभी टीम बन रहा है। तो यहाँ पे सारे टीम पर हुआ है, टीम बनी हुई नहीं है, डेफिनेटली यू विल लव इट, ये टीम आगे जाएंगे डेफिनेटली, सो इट्स वेरी नाइस टीम, सो लव टू सी नियर फ्यूचर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे अच्छे से ना टेंडम बॉक्सेस, और यहाँ पे चिमनी, सो टोल यूनिट बना के रखे अच्छे से। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्जर्स बना के रखे अंदर, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब एक्सेसरीज जो है ना बना के रखे, तो मस्त से ये जो है ना ब्रेकफास्ट काउंटर है, जो ब्रेकफास्ट काउंटर के साथ साथ यहाँ पे ना मस्त से एक शैंडलियर डाला हुआ है, ठीक है, और ये जो है ना टीवी यूनिट, ये जो रिसेप्शन है, रिसेप्शन में जो डिज़ाइन है ना बड़ी मस्त से बना के रखी है, टॉल यूनिट, ठीक है, ये जो है ना सारे मतलब सुंदर से चीज़ें बनाया है, जो यहाँ पे एक्सक्यूज़ मैम जो ये जो रिसेप्शन है यहाँ पे, ठीक है, सो ये जो है ना रिसेप्शन है, ठीक है, सो यहाँ पे ऊपर ना, लेकिन इन्होंने ना ये सब सारे में इन्होंने ना अच्छे से फ्लूटेड पैनल डाला और फॉल सीलिंग पैनल डाला हुआ है, ठीक है। तो ये जो देख रहे हो ना आप, तो ये पूरा ट्रिम्स डाला हुआ है, मस्त से एक वॉल ट्रिम्स डाला हुआ है, तो ये जो है ना मतलब इन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मतलब ऐसे एक्सपीरियंस सेंटर को कभी मैंने देखा नहीं, ठीक है, एब्सोल्युटली। पूरे टीम बना रखे, तो इट्स सच वंडरफुल, देखो ट्रेकिंग लाइट उन्होंने काफ़ी मस्त से बना के रखे, सो आई थिंक इट्स रियली कूल ओवर हियर। सो आगे देखते हैं, ये भाई लोग है पास में, भाई लोग थोड़ा सा साइड दीजिए, आगे और भी कुछ है क्या, कौन सा ऊपर, अच्छा हाँ, और खाना पीना एक्चुअली सारे चीज़ें एक्चुअली ख़त्म हो चुका है, मैं बहुत लेट से आया हूँ, बट इतने सारे इंतज़ाम तो उन्होंने किए थे, तो ये चीज़ आगे देखता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होंगे दोस्तों, लेकिन अब ये जो है ना वो तो इसी था एक्चुअली एक्सपीरियंस था, और ये जो है ना ये है वर्क स्टेशन, यहाँ पे काम करने के लिए लोग है, ठीक है,
तो ये है ना वर्क स्टेशन है, काफी बड़ा ऑफिस बना है इन्होंने यार, मतलब कि क्या बोलूँ, मतलब इतना सही से बना है, ठीक है, मतलब देखो आप इतना इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है, काफ़ी अच्छे से मतलब मेंटेन किया है इन्हें, इम्प्लॉइज लोग को यहाँ पे अच्छे से कर रखे, तो आप ये देख सकते हो ऑफिस इनका, ठीक है, ये MD रूम है जो मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे रहते हैं, जो मेरे दोस्त है वो यहीं पे रहेंगे, तो और ये सारे मतलब आप देख रहे हो मस्त से ऑफिस बना के रखी है यहाँ पे, सो दिस इज वर्क स्टेशन, सो यहाँ पे चीज़ें अभी दे हैव जस्ट स्टार्टेड, आई थिंक यू हैव टू गो माइलस्टोन, सो यस डेफिनेटली उन्होंने काफ़ी चीज़ों को मस्त से बना रखे। तो एरिया है, लोकेशन है सरजापुर धर्मचंद्र सर्कल अनेकल, ठीक है, जो एम्प्लॉइज है काफ़ी चीज़ों पे डिज़ाइन इन्होंने काफ़ी बाहर की डिज़ाइन देख रहे हो, मतलब ये सब सारी चीज़ें मस्त से बना रखी है इन्होंने, ठीक है, तो वो है, ठीक है, चलो मैं मिलते दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।